फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुक एंड बेक विद ज्योति। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट जलेबी। ये 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। हम इसे देसी घी में बनाने वाले हैं। देसी घी की जलेबी बहुत ही टेस्टी और काफी लाजवाब होती है। देसी घी की जलेबियाँ तो बाजारों में भी मिलती हैं, पर घर के बनाई हुई जलेबियों की तो स्वाद ही अलग होती है। आइए देखते हैं कैसे बनाया जाता है देसी घी की इंस्टेंट जलेबी। आइए सबसे पहले हम जलेबी की चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया है एक बाउल चीनी। एक बाउल चीनी लिया है हमने, इसलिए हम इसमें डालेंगे आधा बाउल पानी। हमने इसे अच्छी तरह से चला लेना है। जैसे कि शक्कर थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो गया है, तो अब हम इसमें डाल रहे हैं नींबू का रस। ये डालने से, जैसे कि आप देखते हैं, कभी कभी चाशनी बनाई हुई रहती है और जम जाती है। नींबू डालने से ये जमेगी नहीं। घबराइए मत दोस्तों, इससे आपकी चाशनी खट्टी नहीं होगी। तो इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा फूड कलर, येलो फूड कलर डाल रहे हैं, लेमन येलो। हमारी चाशनी रेडी हो गई है। तो यहाँ हमने ले लिया एक बाउल, इसमें डाल रहे हैं हम 4 बड़े चम्मच मैदा और ले लिया हमने 1 चम्मच चावल का आटा। 2 बड़े चम्मच दही डाल देना है। हमने 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देना है। यहाँ पे हम ब्लू बर्ड का बेकिंग पाउडर यूज कर रहे हैं। अब हमने इन सब चीजों को अच्छी तरह से एक साथ मिला लेना है, पानी डालकर थोड़ा थोड़ा। पानी हमने धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा डालना है, ज्यादा गाढ़ा हो ना ही बहुत ज्यादा पतला हो। ये जो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है, इससे ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है। जलेबी बनाने के लिए आप सॉस की बॉटल यूज़ कर सकते हैं ऐसे कोई, या फिर आप पाइपिंग बैग यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे पाइपिंग बैग का उपयोग कर रहे हैं। तो इसमें हमने हमारा जो बैटर है वो डाल देना है, चाहे तो दूध की थैली या फिर जिपलॉक बैग भी यूज़ कर सकते हैं। लिया है देसी घी, तो अब हम इसे डाल रहे हैं कढ़ाई में। हमने हाई फ्लेम पर घी को अच्छी तरह से गरम होने देना है। जैसे कि हमारा घी एकदम अच्छी तरह से गरम हो गया है, तो हम इसमें हमारी जलेबी बना लेंगे। जैसे कि हमने हमारे जलेबी के बैटर में चावल का आटा डाला था, चावल के आटे से हमारा जो जलेबी है काफी कुरकुरी बनेगी। जैसे कि हमारी जलेबियाँ रेडी हो गई हैं, तो हम इसे चाशनी में डाल देंगे। हमने जलेबी को चाशनी में 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं रखना है। हमने इसी तरह से और भी जलेबियाँ बना लेनी है। हमने इसे बीच बीच में पलटते रहना है। अगर आपको हमारे रेसिपीज पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी ऐसे ही यमी यमी रेसिपीज़ मिलते रहें। काफ़ी लोग घर पर जलेबियाँ नहीं बना पाते हैं, पर अगर आप हमारी स्टेप्स, इजी स्टेप्स हैं काफ़ी, ये फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी जलेबी एकदम परफेक्ट बनेंगी, काफ़ी क्रिस्पी और जूसी भी बनेंगी। अब हमारी जलेबी एकदम रेडी है। ये काफ़ी कुरकुरी बनी और काफ़ी टेस्टी है। हमारी जो जलेबी है ये पूरी रस से भरी हुई है। तो मैं तो जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके अनुभव हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।